पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के थाना कोतवाली क्षेत्र स्थित रेलवे स्टेशन के पास रात लगभग 11 बजे रेलवे स्टेशन परिसर में भीख मांगने वाले बच्चों को नशा सुहा कर अप्राकृतिक कार्य कराने वाला गैंग पकड़ा गया। इस घटना को वहां से गुजर रही महिला नेत्रियों ने देखा कि एक लग्जरी गाड़ी में एक युवक भीख मांगने वाले बच्चों को ले जा रहे हैं। संदेह होने पर उन्होंने पूछताछ शुरू कर दी। कुछ शक होने पर उन महिलाओं ने पुलिस को बुलाकर आरोपी और बच्चों को पुलिस के हवाले कर दिया। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। देर रात भाजपा की महिला नेताओं ने एक कार चालक को लग्जरी गाड़ी में नाबालिग लड़कियों को बैठा कर ले जाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। भाजपा की महिला नेताओं ने जब कार चालक से लड़कियों के बारे में जानकारी ली तो वो कुछ नहीं बता सका, जिसके बाद कार चालक को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक फिलहाल मामले में जांच चल रही है। दरअसल देर रात मुरादाबाद के रेलवे स्टेशन पर भाजपा की महिला नेताओं ने एक निर्यातक की कार में कार चालक को नाबालिग लड़कियों को जबरन बिठा कर ले जाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। कार में बैठी नाबालिग लड़कियों से जब इस बारे में जानकारी की गई तो उन्होंने कहा कि ये रोजाना अपने घर ले जाता है और वहां पर ले जाकर लड़कियों को नशा सुहा कर बेहोश कर देता है। फिर जो होता है उन्हें कुछ पता नहीं रहता, लेकिन सुबह उन्हें वापस छोड़ दिया जाता है। नाबालिग लड़कियों ने यहां तक बताया कि वो उनके साथ सोता भी है। लड़कियों के बयानों को सुन वहां पर मौजूद लोग भी दंग रह गए। आनन फानन में पुलिस को बुलाकर कार चालक को सौंप दिया गया। साथ ही नाबालिग लड़कियों को रेलवे की चाइल्डलाइन कमेटी को सौंप दिया गया। आपको बता दें कि जिस कार चालक को लोगों ने पकड़ा है वो अकबर शमसी के यहाँ नौकरी करता है। जब गाड़ी के नंबर को ट्रेस किया गया तो गाड़ी भी अकबर शमसी के नाम पर ही पाई गई। कार चालक ने भीड़ में लोगों को बताया कि वो निर्यातक अकबर के यहाँ पिछले 5 साल से नौकरी करता है। पुलिस ने ड्राइवर को सियाज गाड़ी नंबर UP21BY6006 सहित कोतवाली सदर ले जाकर पूछताछ शुरू कर दी है। फिलहाल इस मामले में निठारी कांड की याद जरूर दिला दी। वो तो भला हो भाजपा की जागरूक महिला नेताओं का, जिन्होंने गाड़ी में बिठाते हुए कार चालक को पकड़ लिया और अनहोनी होने से बचा ली। लेकिन अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिनसे पर्दा उठना अभी बाकी है, जैसे कि ये इन सभी लड़कियों को क्यों रोजाना ले जाता था। हम लोग अपने माननीय विधायक जी के कार्यालय से आ रहे थे, क्योंकि कल कमल शक्ति संवाद कार्यक्रम हमारा 15 तारीख को होना निश्चित हुआ है। उस सिलसिले में हम लोग अपनी समीक्षा कर रहे थे महिलाओं के साथ। जब हम लोग वहां से निकले अपनी पूरी टीम के साथ, हमारे अध्यक्षा विजय लक्ष्मी पंडित जी, सुनीता सैनी महामंत्री, मैं स्वयं और हमारे जो चंदन नगर की महामंत्री है रेणु चौधरी, हमने देखा एक व्यक्ति अपनी गाड़ी में और 5-6 बच्चियों को बैठा ला है। हमें शक हुआ है, ऐसे मतलब जो भिक्षा मांगने वाले बच्चे हैं उन्हें अपनी गाड़ी में क्यों मतलब बैठा हुआ है, तो हमने उस गाड़ी को रुकवाया। हमारे देखते ही जैसे हमने रुकवाने की कोशिश करी एकदम भागना शुरू कर दिया। अब देखा तो जब रोका आया बहुत मुश्किल से रोका, हम भी अपनी चलती हुई गाड़ी से कूद गए और उसने भागने की कोशिश करी, लेकिन भीड़ के माध्यम से हमें हेल्प मिली, वो भाग नहीं पाया। लेकिन यातायात को बहुत परेशानी हो रही थी, इसलिए हम उसे रेलवे स्टेशन की तरफ ले गए और वहाँ जाके उसे रोका। समस्त पुलिस स्टाफ आ गया था वहाँ पे। उन बच्चियों ने बताया ये हमें रोज ले जाता है और हमें गंदी मूवीज दिखलाता है और नशे के इंजेक्शन देता है, नशा सुंघाता है, हमारे संग गलत हरकत करता है। एक बच्ची जो 14 साल की थी बोली वो हमारे संग सो जाता है बाद में आके। तो इस कैटेगरी का जो मामला हो रहा है हमें बहुत मतलब रात भर नींद भी नहीं आई इस चीज़ को देख के। गाड़ी में तो एक ही व्यक्ति था और यही अक्सर ले जाता है। लड़कियां कितनी थी? लड़कियां 4 थी। ये कौन था, कहाँ का है, ये हमें नहीं मालूम, हमें कुछ नहीं मालूम, लेकिन पता चला है किसी फैक्ट्री में ये चालक है और वहाँ काम करता है 5 साल से, और इस मामले को संज्ञान में पुलिस ने ले चुकी है। और मैं बताया कि कहाँ लेकर जा रहा था, कि अपने रूम पर ले जाता है, ये कहीं करोड़ा में कोई रूम है इनका, उसमें लेके जाता है। तो हम ये चाहते हैं पुलिस के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से सख्त इसको कार्रवाई हो और पता चले इसका गैंग और नेटवर्क कहाँ तक चल रहा है, तह तक जाए और तह तक पहुँचे। इसे छोड़ना नहीं चाहिए, पुलिस को भी हम ये कहते हैं इसे छूटे ना।
तो जिस हिसाब से ये लड़कियां जा रही थी, इस हिसाब से लगता है कि ये बड़ा खेल चल रहा होगा। हाँ जी, लगता है बहुत बड़ा खेल चल रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ा नेटवर्क है। वो लड़कियाँ कौन थी? ये भिक्षा मांगने वाले स्टेशन पे जो लवारिस बच्चे। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।